आपको पूल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। कितना सॉलिड है देखो, ये लोग मजे ले रहे हैं बस पूल के। हाँ, क्यूट लग रही हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। आज हम लोग जा रहे हैं गोवा। यस, हम लोग जा रहे हैं गोवा एंड हम लोग तीनों ही जा रहे हैं, मम्मी पापा और मैं। एंड थोड़ा सा हम लोग को वैकेशन चाहिए था क्योंकि काम 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 काम, इसी वजह से हम लोग 3 दिन रहने वाले हैं। एंड मैं पूरा 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 एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी A to Z। एंड मैंने सुबह से घर से निकलते टाइम व्लॉग चालू नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह थी एंड बहुत रश में थे हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। तो अभी मैं एयरपोर्ट में हूँ, अभी 11 बजे हमारी फ्लाइट है, तो चलते हैं गोवा। लेट हो गए तो जल्दी 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 बैठ गए, अब वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गोवा एंड हम लोग सब लोग ही फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, तो बहुत मजे करने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट होटल, शायद बीच में नाश्ता करने भी रुक सकते हैं पर फिक्स नहीं है। बट हमने बुक किया है फेयरफील्ड बाय मैरियट अंजुना बीच के उधर, तो एयरपोर्ट से उधर शायद आधा घंटा या 45 मिनट लगेगा, तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। चलो चलते हैं। सो गाइज, हम लोग होटल जाते जाते बारिश आ गई एंड थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए। इस रेस्टोरेंट का नाम है फैट फिश। तो गाइज, हमने मंगाया है फिश चिकन, खा के देखते हैं। मैं खा रही हूँ चिकन जाउटी एंड पापा खा रहे हैं किंग फिश विथ राइस एंड मम्मी खा रही है प्रॉन्स करी विथ राइस। तो यहाँ पे सब खाना जो भी हमने मंगाया है सब कोकोनट में बनाया है एंड बहुत यमी है, बहुत ज़्यादा यमी है। तो ऐसा खट्टा टेस्ट है बट बहुत बहुत यमी है। सो गाइज, हमने खाना वाना खा लिया एंड हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं होटल में। रूम टूर मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मुझे पूल देख के, आप पूल देखो यार, ओ माय गॉड, पूल देख के मुझे जंप मारने का मन करा है, तो मैं अभी जंप मारूंगी और मैं आपको डेफिनेटली थोड़ी देर बाद रूम टूर देने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग शायद बाहर जाने वाले हैं, क्या प्लान है मैं बताती हूँ अगर मैं ज़्यादा थक गई, क्योंकि एक बार पूल के अंदर जाने के बाद मुझे बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो अगर मैं ज़्यादा थक गई तो मैं नहीं जा पाऊँगी। सो गाइस, अभी मैं पूल में हूँ, पूल के जकूजी में हूँ। मैं आपको पूल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। कितना सॉलिड है देखो, पूरा होटल है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर पा रही हूँ कि बहुत सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। ये देखो गाइस, ये लोग मज़े ले रहे हैं बस पूल के, पापा उधर तैर रहे हैं, मम्मी जकूजी में बैठी है। अभी हमारा पूल टाइम हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे। मैं आपको बताती हूँ कौन से बीच पे जा रहे हैं, लेट्स सी। अभी अंधेरा हो गया है एंड हम लोग बहुत लेट पहुँचे बागा बीच पे, अभी 7 बज रहे हैं। अभी ज़्यादा कुछ तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी और आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी 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 अंधेरा है, बट मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। एंड कल भी मैं 3 दिन के लिए हूँ यार, कल परसों मैं फिर से आने वाली हूँ, तब मैं बहुत बहुत अच्छे से दिखाने वाली हूँ। अरे इट्स अमेजिंग, गोवा का जो फील है ना मुझे समझ में आया
कि लोग क्यों इतना बार बार आना चाहते हैं, लोग क्यों गोवा को लेके इतना क्रेजी है, मुझे समझ में आया। इतना पीसफुल लग रहा है ना इधर आके, आप जगह जगह पे छोटे छोटे लेक्स देखोगे, मतलब रेस्टोरेंट्स जो है उनका अलग ही एक ऑरा है, मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मुझे बस आधा दिन हुआ है एंड आई एम इन लव विद दिस प्लेस, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। चलो मैं आपको अभी बीच दिखाती हूँ एंड अभी हम लोग डिनर करेंगे छोटा मोटा। पापा उधर ही है, पापा होटल में ही है क्योंकि पूल में स्विमिंग कर करके पापा थक गए, तो हम लोग ही आए हैं। तो अभी हम लोग बीच पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा डिनर करेंगे, उसके बाद पापा के लिए डिनर लेके जाएंगे एंड कल मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है बहुत। बीच के शॉपिंग एरिया में, पता नहीं इस लेन का नाम क्या है, बट यहाँ पे सब हैट्स चप्पल्स, क्यूट लग रही हो, हैट चप्पल्स, और यहाँ पे टैटू शॉप भी है। तो हम लोग कुछ खरीदने वाले, अब बैग देखो यार, ना सॉलिड सॉलिड स्लिंग बैग्स है, बाप रे। सो गाइस मैंने ये बैग लिया है 750 का, बहुत बार्गेन करने के बाद ये 1200 का बोल रहे थे, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बैग है तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। बहुत ही ट्रेंडी स्टफ्स है, बिकिनीज, ओ माय गॉड, बीच वेयर, लुक एट दिस, सो फंकी, बहुत मस्त मस्त चीज़ें है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे होंगे 8, मैं 7:30 बजे उठ गई थी, मैंने अलार्म लगाया था। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, मैं आई, मैंने कुछ खाना वाना भी ज़्यादा खाया नहीं और मैं सो गई क्योंकि कल जर्नी भी था। कल सुबह 6 बजे से उठी हुई थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि बुफे होता है, बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी क्या क्या देते हैं ये लोग, एंड उसके बाद मैं आप लोग को रूम टूर देने वाली हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, उसका व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलो पहले मैं ब्रेकफास्ट दिखा लेती हूँ, अमेजिंग अमेजिंग सा, एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको रूम टूर। बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ, अंदर का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए इधर ब्राउन ब्रेड है एंड बहुत सारे जैम है, बटर, ग्रिल है, आप ग्रिल कर सकते हो, चाय कॉफ़ी, बॉयल एग्स है, ग्रिल टोमेटोज एंड बेक्ड बीन्स, कॉर्न फ्राइड, बहुत ऑप्शंस है, इडली, व्हाट इज दिस, नूडल सूप है, ये बना के देंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आलू पराठा, ये मैंगलोर बोंडा, चना मसाला, कुलचे, पुलाव भी है, आई थिंक ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, फ्रूट्स है एंड डेजर्ट्स है। आपने देखा यहाँ पे ब्रेकफास्ट, तो मैं बोलूँगी कि मैं JW मैरिट भी गई हूँ एंड मैं बहुत 5-star होटल्स में गई हूँ, तो बहुत 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 ऑप्शंस होता है यहाँ पे, थोड़ा मिनिमल ऑप्शन है बट बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मस्त लग रहा है मुझे, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 8 to 8 है पूल का टाइम, बट यहाँ पे लोग 10 बजे भी पूल में थे, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है और क्या बोलूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये नूडल्स सूप एंड सूप के साथ मैंने ले लिया है मसाला ऑमलेट एंड टोस्ट। तो मम्मी यहाँ पे खा रही है इडली
गुड मॉर्निंग, हाय। और पापा वहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गाइस हमने ब्रेकफास्ट किया एकदम जम के, उसके बाद मैं पूल में थी। 2-3 घंटा मेरे कैसे गुजरे मुझे पता नहीं, मुझे पूल से बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा था, इतना मजा आ रहा था। देखो लोग कितने मजे कर रहे हैं और बहुत पीसफुल है। तो मैं आपको जल्दी से रूम टूर दे देती हूँ। हमने 2 रूम्स लिए हैं, एक में मम्मी और मैं, एक में पापा है। क्योंकि पापा को हम अलग से ला रहे क्योंकि पापा बहुत जोर जोर से खर्राटे मारते। तो मैं आपको फटाफट से रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ पे ये कॉरिडोर है, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है। रूम का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। ये यहाँ से एंट्रेंस है और घुसते ही बाथरूम है। तो दिस इज बाथरूम, दिस इज मी, एंड ये शावर है। छोटा सा ही बाथरूम है, बाथरूम में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे शैम्पू वगैरह, हैंड वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब प्रोवाइड किया है। ये बाकी ये सब मेरा ही सामान है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने टॉवल सुखाने दिया है। उसके बाद दिस इज़ बेड, यहाँ पे मम्मी एंड मैं सोते हैं, वहाँ पे मम्मी बैठी है। मैं ये साइड सोती हूँ, मम्मी वो साइड सोती है। यहाँ पे खाना पीना रखा है, दिस इज़ टीवी। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बनाते सब प्रोवाइड किया है, मिल्क, कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी। तो इसके नीचे है छोटू सा फ्रिज, ये फ्रिज के अंदर फ्रूट रखा है। तो ये है कबर्ड, पूरा मिरर है। यहाँ पे मम्मी दिख रही है। हमारा थोड़ा बैग वगैरह मैसी है तो उसके लिए सॉरी। ये मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा बैग है एंड कुछ नहीं है, ये सेफ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। असली चीज़ मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखो है ना ऑसम। ये जो व्यू है ना, हमें थोड़ा पार्शियल व्यू मिला है बिकॉज हमने दो जॉइंट रूम लिया है। अगर हम सिंगल रूम लेते तो वहाँ पे हमें मिलता एकदम फुल व्यू, उन्होंने तो ऐसा ही बताया है। कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है, देखो आप। बस आप इधर बैठ जाओगे ना तो आप एकदम मज़ा आएगा, जस्ट मज़ा आएगा आपको। ये देखो, इन लोगों को पूल व्यू नहीं है, ये बच्चों का पूल है एंड ये बड़ों का पूल है। वहाँ पे जकूजी चल रहा है। ओ माय गॉड, मैं तो बस ये जो व्यू है ना ये देख के ही बस खुश हो जाते हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये रहा रूम टूर होटल का एंड बाकी तो सब मैंने आपको दिखाया है एंड दिस इज ओनली पार्ट 1। इसके बाद और 2 शायद पार्ट आने वाले हैं। अब मैं बाहर निकलने वाली हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। पूरा बीचेस दिखाऊंगी, मैं कहाँ कहाँ पे जा रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ, एवरी सिंगल थिंग। तो गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड नेक्स्ट व्लॉग बहुत बहुत जल्दी आ रहा है, एक दिन बाद ही आ जाएगा। ओके गाइज, तो बाय।